भाई हमारे पास एक अच्छा मौका है, हम इस बात को ला रहे हैं, सबके सामने पहुंचा रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल हमेशा एक परेशानी खड़े करने वाले होते हैं, क्योंकि ये लोगों के सवाल हैं जो नाज़रीन जानना चाहते हैं आपसे। फिर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मेरा कि ऐसी सिचुएशन जहां पर आपने कहा कि ये सारी जिम्मेदारी नफ़के की या एक्सपेंसेस की एक मर्द की है, लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर औरत विडो है या फिर डिवोर्सी है और उसकी शादी या रिश्ता उससे नहीं मिला है और वो अपनी फैमिली को पालना चाहती है, अपने बच्चों को, अब खुद को, और उसको ऐसे माहौल में जहाँ पर दोनों ऑफिसेज अलग नहीं होते हैं या औरतें मर्द अलग काम नहीं करते हैं, एक साथ मिलके मिंगलिंग सोसाइटी में काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो औरत क्या करे? अगर किसी औरत की मजबूरी है, अगर वो विडो है, डिवोर्सी है, जैसे कि हमने पॉलीगमी के आंसर में देख चुके हैं कि ये एक अबनॉर्मल, एक अननेचुरल सिचुएशन है कि किसी को अपनी जिंदगी अकेले बिताना पड़े। हमारा सोशल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसी विडो जो विडो ना रहे। जी मैं उसको मानता हूँ बिल्कुल कि वो जरूरी है, वो शादी करना चाहती है लेकिन उसको कोई नहीं मिल रहा है। जी ऐसी सिचुएशन आ क्या सकती होगा? है। अब देखिए, इस सिचुएशन के अंदर उसे ऐसा फील्ड चुनना चाहिए जिसके अंदर सेग्रीगेशन भी हो, जिसके अंदर औरतों का एनवायरनमेंट हो, जिसके अंदर वो फ्लरिश होकर अपना काम कर सके।